हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि आप कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, तो आज आप जान पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और कंप्यूटर में किस तरह के फीचर्स होते हैं, कैसे इनको ऑपरेट कराया जाता है, इनकी कुछ बेसिक जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है, कोई बड़े पर्सन है, या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 2 में 4 में 6 में 8 में या फिर किसी भी हाई लेवल के क्लास में पढ़ते हो, तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। तो चलिए कुछ बता देते हैं आपको कंप्यूटर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, यानी कि हमारा डिस्प्ले होता है जिसपे कि हम किसी भी प्रोग्राम को शो कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा होता है ये टास्क बार होता है, ये सारे टास्क बार होते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को हम यहाँ पे टास्क बार में रख सकते हैं जिसको हम आसानी से ऑपरेट कर सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे हमारे शॉर्टकट आइकन्स हैं, जो भी हम एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं जिनका शॉर्टकट हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं, उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसको हम जल्दी से जब भी ओपन करना होता है आसानी से ओपन कर पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे होता है हमारा स्टार्ट बटन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे आपके फोन में सारे एप्लीकेशन जहाँ आपको स्क्रीन पे शो करते हैं, तो आपको स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन शो करेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं वो सारे शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अलार्म एंड क्लॉक, इसमें आप अलार्म लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में और टाइम सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। यहाँ पे आपका हो गया कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, ये गेम हो गया कैंडी क्रश फ्रेंड्स, इसी तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो भी आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं वो सारे शो करेंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम हो गया, क्रोम एप्स, और ये हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। तो इसमें आपको सिंपली जिसको भी ओपन करना है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। आपको हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा देते हैं ओपन करके। मान लीजिए हमको गूगल क्रोम खोलना है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने गूगल क्रोम खुल के चला आएगा। अब इसमें हम जो भी चीज करना चाहते हैं, किसी भी चीज को टाइप करके सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी चीज को हमें सर्च करना है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि हमें YouTube सर्च करना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा YOUTUBE। जैसे ही सर्च करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आपके सामने यूट्यूब का रिजल्ट शो करके आ जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने YouTube खुल के चला आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और आप फिर से स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, जिसको भी रन कराना चाहते हैं, जो कि आपको इसमें ढूंढना ना पड़े, तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें कैलकुलेटर ओपन करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे CAL। तो यहाँ पे देखिए, आपको अभी पूरा टाइप भी नहीं करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको उसी नाम के जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो भी एप्लीकेशन होंगे आपके कंप्यूटर में, वो दिखने लगेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कैलकुलेटर आ गया, कैलेंडर आ गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क आ गया। तो इनमें आप जिसको भी ओपन करना चाहें, जो भी नाम टाइप करेंगे, उनको आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से। आप इसको एंटर कर दीजिएगा तो ये आपके सामने कैलकुलेटर खुल के चला आएगा। इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कोई हमें और एप्लीकेशन खोलना है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि नोटपैड खोलना है, जिसमें हमें कुछ डाटा लिखना है, कुछ भी लिखना है हमारा, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए नोटपैड। हमारे कंप्यूटर का एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम अपना कोई भी डाटा लिख के रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना मान लीजिए नाम लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिख लीजिए नेम स्पेस करके, यहाँ पे डैश दे के यहाँ पे लिख सकते हैं AKASH, जो भी लिखना हो आपको, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको आपको अगर सेव करके रखना है, तो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरे आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें आप जहाँ भी आप इसको सेट करके रखना चाहते हैं, आप उसको क्लिक करके सेव करके रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे, यानी कि अपने स्क्रीन पे रखना है इसे, तो आप ये स्क्रीन ही सेलेक्ट रहने दीजिए, या फिर डाउनलोड्स फोल्डर में रखना है तो डाउनलोड्स पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन हमें डेस्कटॉप पे रखना है, मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है,
यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, इसको आप बैक स्पेस से कट कर देंगे। यहाँ पे अपने कीबोर्ड से आप नाम लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमें लिख देना है NAME, ये किसी का नेम है या फिर किसी भी टाइप का हम फाइल सेव कर रहे हैं, जिसका जो नाम रखना चाहें यहाँ पे रख के यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम नाम का एक हमारा नोटपैड फाइल खुल के चला आया, जो कि आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसमें वही चीज लिखा है जो हमने सेव किया है। तो आप इसको यहाँ पे सिंपली कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे टास्क बार में दिख रहा होगा, जो भी आप प्रोग्राम ओपन किए होते हैं और उसको मिनिमाइज कर देते हैं तो यहाँ पे आपको टास्क बार में वो दिखता है, और जो कुछ एप्लीकेशन टास्क बार में जो दिखते हैं उसको हम पहले से ही इसमें ऐड करके रखे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक टास्क बार में हमने दो बार इसको ओपन किया था, तो इसको हम कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। इसको ओपन करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे तो खुल के आ जाएगा, इसको भी आप कट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं अपने कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। यहाँ पे माई कंप्यूटर पे या फिर दिस कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके सामने विंडो खुल के आएगा, आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा जो कि हमारे मेमोरी के पार्ट्स हैं, हमारे हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं, जो कि एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, एक एफ और एक जी और एक एच है। इन नामों से हमने ड्राइव्स बना रखे हैं। जो भी आप अपने हार्ड डिस्क का पार्ट जिस नाम से रखना चाहेंगे उसमें आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे हार्ड डिस्क के वो पार्ट हैं जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रख पाते हैं, यानी कि कोई भी फाइल हो, कोई भी म्यूजिक सॉन्ग हो, कोई भी इमेजेस हो, कोई भी फाइल हो, इनको हम इसमें सेव करके रख पाते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में, अपने मेमोरी में या फिर फ़ोन के मेमोरी में किसी भी डाटा को, किसी भी सॉन्ग को स्टोर करके रख पाते हैं, तो इसमें हम इन सारे हार्ड डिस्क के पार्ट्स में रखते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमें खोलना है, इसको हमें ओपन करना है, तो डबल क्लिक इस पर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इतने सारे फोल्डर्स फाइल्स रखे हुए हैं जिसमें कि हम अपना डाटा रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और सारे फोल्डर्स हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने IAS नाम का फोल्डर रखा हुआ है, IAS नाम का। जैसे ही आप इस पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 27.4 GB का साइज दिख रहा होगा, तो ये यानी कि इस फोल्डर का उतना साइज है, इसमें इतना डाटा स्टोर करके हमने रखा हुआ है, वीडियोज हो सकते हैं या फिर कुछ भी। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे हम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे और भी फोल्डर्स हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन के वीडियोज और फाइल्स रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी क्लिक करके खोल सकते हैं और इसमें वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। मान लीजिए जियोग्राफी है हमारा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमने इतने सारे वीडियोज को रखे हुए हैं। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं डिस्प्ले की कुछ सेटिंग के बारे में। तो आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आप यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे पर्सनलाइज पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ सेटिंग खुल के आएगा आपके लिए। यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड को यानी कि डिस्प्ले के इमेज को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजे दिए हुए हैं हमारे लिए, तो आप यहाँ पे जैसे मिनिमाइज करके हम दिखा देते हैं आपको। हमारे सामने ये हमारा एक वॉलपेपर सेट हुआ है जिसको कि हम चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे सिंपली। यहाँ पे हमारे बहुत से वॉलपेपर्स दिए गए हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस वॉलपेपर को सेट करना है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फुल में दिखने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये अब वॉलपेपर सेट हो चुका है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा वॉलपेपर सेट हो चुका है। अब हम मिनिमाइज करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे मिनिमाइज कर लीजिए, देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारा वॉलपेपर सेट हो चुका है। इसी तरह से हम वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे और सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ये नीचे थोड़ी छोटी छोटी लाइनें आ गई हैं जो कि कलर्स में बदल गई हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ हमारा आ रहा है वो उसका कलर बदल गया है। यहाँ पे आप ब्लू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू हो गया, तो ये सेट हो चुका है फ्रेंड, कट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कंप्यूटर आप कैसे चलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।